अयोध्या भी सजाई है, काशी भी सजाई है, प्रभु कृपया कर दो, प्रभु कृपया कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मजहब के नाम पे नफरत का तमाशा अयोध्या में खूब हुआ, लेकिन अयोध्या से मात्र 20 से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है नवाबगंज। यहाँ की ऐसे लोग हैं यहाँ जिन्हें किसी भी नफरत से कोई वास्ता नहीं है, और राम लला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये पूरा गांव, मजहबी लोग भी राम धुन में मस्त हैं। तो आइए इन्हीं से सुनते हैं कुछ राम लला के लिए कुछ मजहबी धुन। कुछ कोई भजन रामलला का स्वागत होने वाला है, कोई भजन अगर हो तो आप। जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यो भोले बच्चन जी सानिया जी के साथ। योद्धा भी सजाई है, काशी भी सजाई है, योद्धा भी सजाई है, काशी भी सजाई है, प्रभु कृपया कर दो, प्रभु कृपया कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, प्रभु कृपया कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। सानी योगी जी आ जाए यहाँ से एक बार, जो योगी जी आ जाए तो अलग ही मजा आएगा। तो योगी जी क्या कहेंगे? आपने देखा सानिया आज भी वही गीत दोहरा रही है जो पूरा देश पूरा विश्व दोहरा रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। लेकिन राम धुन सिराज का, सानिया का, भूरे का, ये राम धुन लगातार अनवरत जारी है। सानिया एक और गीत सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा इसमें से ले दूं। मंदिर भी बनाया है, मस्जिद भी बनाएंगे, मंदिर भी बनाया है, मस्जिद भी बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम को हम, हिंदू मुस्लिम को हम सब एक बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम को हम सब एक बनाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे।
बहुत खूब। तो निश्चित तौर पे संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे और बाबा पूरे देश को चला रहे हैं। योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार, जिसके वजह से, जिसके सार्थक प्रयास की वजह से एक सपना जो था अब साकार होता नजर आ रहा है, और सपना साकार हो चुका है। और उसी रंग में न सिर्फ हिंदू बल्कि हमारे मुस्लिम परिवार भी रंगे हुए हैं। और सानिया, बस यहीं पर खत्म नहीं होता है, एक एक भजन और सुनना चाहेंगे। मोदी जी ने, योगी जी ने ट्वीट किया था, उसी को राज का आया है। युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवाल है, रा गया जागा है अवध का, भाग जी गूंजा है विनय का, राग जी योगी संतों की, अखियों से छलका है प्यारा हनुमान जी, सज धज के है, सज धज के आए प्रभु राम, बोलो जय सिया राम। ओ मोरी आँखों के तारे है प्रभु राम, बोलो जय जय सी राम। अयोध्या अयोध्या आए मोरे प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आँखों के तारे है प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। बोलो एक बार आप लोग भी नाम जयकारा लगाइए, जय श्री राम। अरे श्री राम के नाम पे बोलने में कोई हर्ज, जब इन लोगों को दिक्कत नहीं है तो आपको नहीं होनी चाहिए। हालांकि कई मर्तबे ये कहा गया कि मजहबी लोग हैं, मजहबी लोग मजहब के नाम पे, जो मैंने पहले भी बताया था कि नफरत का तमाशा अयोध्या ने खूब देखा, लेकिन आज नफरत की सारी दीवार इन को देख कर शायद खत्म होती नजर आ रही है। सानिया सिराज जी, एक और सुनना चाहूँगा मैं इनसे, जो बेहतर हो सके भजन जी, कुटिया जो मेरा वायरल हुआ था वही मैं आपको ले। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो और चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के, जहां मेरा ठिकाना हो। बहुत खूब सानिया। तो अगर इन्हें सुना जाए तो ये लगता नहीं है कि इन्होंने मजहबी तालीम ली है, लगता तो यही है कि इन्होंने अदबी तालीम ली है। यहाँ जाहिर है ये रहीम को भी पूजते हैं और राम के प्रति भी इनकी आस्था काफी सराहनीय है। देखिए मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मैं 2 साल से अपने चैनल पे गा रही हूँ, सिराजा सु बच्चन नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पे, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं भजन गा रही हूँ तो मेरे अंदर से इंसानियत मुस्लिमपना सब खत्म हो गया, नहीं। वो तो इंसानियत होना बहुत बड़ी बात है, और मैं एक सिंगर हूँ, मेरे अंदर एक कला है। मैं अगर किसी के अंदर कला हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो कभी छुप नहीं सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है, ज़्यादा मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगी कि कोई ये ना बोले कि फेमस होने की वजह से मैंने भजन गाया, नहीं। मैंने फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैं अपने चैनल पे काम करती हूँ सिराज आसू बच्चन पे, और मैं 2 साल से रेगुलर काम कर रही हूँ। ये मत कमेंट में ये मत लिखना कि एक मुस्लिम धर्म की लड़की या भाई कोई फतवा निकाले कुछ भी बोले। देखो ऐसा मत करना, आपसे मैं बहुत अच्छी तरीके से हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मुकुंद शाही, अयोध्या, भारत एक्सप्रेस।